सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सियासत समझना आसान नहीं है। फिलहाल वह भाजपा और सपा दोनों ही दलों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। ताजा घटनाक्रम यह है कि उनके बेटे अरुण राजभर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें सुबह सपा के कटप्पा कहे जाने वाले महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकलते दिखाया गया है। इसके पहले 19 दिसंबर को ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास पर पहुंचे थे। इस मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद बृजेश पाठक ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का को चेयरमैन नियुक्त कर दिया। बृजेश पाठक की ओर से की गई इस नियुक्ति को दो पुराने गठबंधन सहयोगियों के फिर से साथ आने के तौर पर देखा जाने लगा तो ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि बृजेश पाठक की पार्टी अलग है और हमारी पार्टी अलग, हमारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन दिल एक है। तो ओम प्रकाश राजभर महज 10 महीने पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मंच से पानी पी पी कर कोस रहे थे। उसी भाजपा के वरिष्ठ नेता के बगल में उन्हें देखकर कई लोग चकरा गए, लेकिन राजनीति के जानकारों को कोई हैरानी नहीं हुई। कई जानकारों का कहना है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत में कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की सियासत फिलहाल फंस गई है। इस वक्त वह अपनी ही पार्टी में बगावत से जूझ रहे हैं। इसके लिए वह सपा पर आरोप लगा रहे हैं। उनके बेटे अरुण राजभर ने जिस तरह स्टिंग ऑपरेशन करके किसी रिपोर्टर की तरह महेंद्र राजभर के साथ वीडियो बनाया, उसकी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में अरुण राजभर महेंद्र राजभर पर कई सवाल खड़े करते हुए उनसे सफाई मांग रहे हैं। अरुण राजभर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने सितंबर में ओपी राजभर से नाता तोड़कर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। महेंद्र राजभर की गिनती न सिर्फ सुबह सपा के कद्दावर नेताओं में होती थी बल्कि वह ओपी राजभर के रिश्ते समधी भी लगते हैं। 2017 में भाजपा और सुबह सपा गठबंधन की तरफ से महेंद्र राजभर को ही मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा था। उस समय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र को मंच से कटप्पा की संज्ञा देते हुए कहा कि महेंद्र उर्फ कटप्पा ही मऊ के बाहुबली को मार सकता है। तब से महेंद्र काफी चर्चा में आ गए थे। महेंद्र के बाद सुबह सपा को छोड़ने वाले की लाइन लग गई थी। बड़ी संख्या में नेताओं ने ओपी राजभर की सुबह सपा का साथ छोड़कर महेंद्र राजभर की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ओम प्रकाश राजभर का अगला दांव क्या होगा, इसे लेकर फिलहाल यूपी के राजनीतिक गलियारों में अटकलें ही लग रही हैं। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले रहने वाले ओम प्रकाश चुनाव के बाद से ही भाजपा के प्रति सकारात्मक दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा में ही एक धड़ा है जो उन्हें दोबारा साथ आने नहीं देना चाहता। इधर राजभर सपा पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। फिलहाल देखना है कि वह अपनी इस राजनीति पर कायम रहते हुए पार्टी की अंदरूनी सियासत पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं या फिर यूपी की सियासत में आगे बढ़ने के लिए कोई नया पैंतरा आजमाते हैं। वैसे इतना तो उनके विरोधी भी मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर खुले विचारों वाले नेता हैं, तभी तो वह खुद कह देते हैं कि कसम थोड़े ना ले रखे हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है।